तारीख थी 6 जून 2024। मुंबई के अंधेरी इलाके से पुलिस के पास एक फोन कॉल आती है। कॉल पर बताया जाता है कि उनके पड़ोस वाले फ्लैट से बदबू आ रही है और बाहर से लॉक लगा हुआ है। पुलिस फ्लैट में आती है, दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का नजारा देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर बॉलीवुड और वेब सीरीज की एक फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई मिलती है। डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ी गली हालत में होती है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात इस केस में यह है कि जब पुलिस ने परिवार को इन्फॉर्म किया तो परिवार ने बॉडी लेने के लिए क्लेम नहीं किया और उस एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार एक एनजीओ के द्वारा कराया जाता है। ये लाश थी एक्ट्रेस नूर मालविका दास की। नूर मालविका दास ने कई फिल्में और फेमस वेब सीरीज में काम किया है। मालविका मुख्यतः पिछले साल आई वेब सीरीज द ट्रायल के लिए भी जानी जाती है, जिसमे काजोल लीड रोल में थी। इसके अलावा मालविका ने सिस्किया फिल्म में भी काम किया था। मालविका दास कौन थी, इसने आत्महत्या क्यों की, क्यों मालविका के माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, क्यों मालविका के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। मालविका दास मूल रूप से आसाम की रहने वाली थी और बचपन से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। शुरुआती पढ़ाई असम से हुई और साइंस में बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद एयर होस्टेस बनने के लिए कोर्स किया और कोर्स कंप्लीट होने के बाद कतर एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में अपना करियर शुरू किया। मालविका दास ने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया था। मालविका दास को जहां पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था तो उसे मॉडलिंग और एक्टिंग का भी शौक था। यही कारण था कि मालविका ने अपने एयर होस्टेस वाली जॉब को छोड़ा और एक्टिंग में ट्राई करने लगी। मालविका अपने कॉलेज के समय से ही थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करती रहती थी। एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए मालविका ने जॉब तो छोड़ दी थी, लेकिन परिवार वाले इस फैसले के घोर विरोधी थे। फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी एक ऐसे फील्ड में जाए जहां पर उसे अपने शरीर की नुमाइश करनी पड़े। फैमिली वाले तो थोड़े बहुत नाराज पहले ही थे, क्योंकि परिवार बेटी की मॉडलिंग के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन मालविका ने अपनी फैमिली की नहीं सुनी और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद मालविका ने मॉडलिंग कंटिन्यू रखी और फिल्मों के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, लेकिन फिल्मों में कोई भी चांस नहीं मिला। फाइनली 2005 में फिल्म सिस्किया में एक छोटा सा रोल इसकी फिल्मी पारी को शुरू करता है। इसके बाद एक दो फिल्मों में ऐसे ही छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में वेब सीरीज का जमाना आया तो मालविका ने भी शॉर्टकट अपनाया, क्योंकि सीधे तरीके से उसे एक्टिंग फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही थी। करियर की शुरुआत में जब कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए तो परिवार को लगा कि बेटी अच्छे रोल करेगी और घर में सुलह हो गई। माँ बाप ने बेटी को माफ कर दिया, लेकिन मालविका दास ने वेब सीरीज में काम करना शुरू किया तो इसने कपड़े छोटे नहीं किए बल्कि पूरे कपड़े ही उतार फेंके। मालविका दास की वेब सीरीज का नाम है वॉकमैन, जो कि एक सेमी एडल्ट नहीं बल्कि फुली एडल्ट वेब सीरीज है। इसके अलावा देखी अनदेखी, डिजायर, अदला बदली, एटीएम भाभी, पलंग तोड़, तीखी चटनी, चरम सुख, आई एम सॉरी टीचर और जघन्य, ये सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जिनमें एक्ट्रेस छोटे कपड़े नहीं पहनती है बल्कि कपड़ों को पूरी तरह से उतार फेंकती है। नूर मालविका दास भी एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस के रूप में युवाओं के बीच में अपनी पहचान बना चुकी थी। फैमिली वाले पड़ोस और रिश्तेदारों के तानों से तंग आ चुके थे कि उनकी बेटी इस तरह के रोल कर रही है और पैसे कमाने के लिए अपने कपड़े उतार रही है। फैमिली ने तंग आकर एक बार फिर से अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ऐसी छोटी छोटी और एडल्ट वेब सीरीज में काम करके मालविका दास पूरी तरह से इसी इंडस्ट्री में गुम होती चली गई। लेकिन बॉलीवुड की इस अंधेरी नगरी का एक काला सच ये भी है कि यहाँ पर कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता। यहाँ किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं होती। यहाँ सिर्फ यूज एंड थ्रो का रिवाज होता है, चाहे वो रिश्तों की बात हो या प्रोफेशनली। नूर मालविका दास के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने फेमस होने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जो कोई भी ओवर एम्बिशियस लड़की यहाँ पर आकर अपनाती है। इसने बॉलीवुड की पार्टियों में जाना शुरू कर दिया, महेश भट्ट जैसों के संपर्क में आ गई और धीरे धीरे अपने परिवार से, अपने बचपन के दोस्तों से पूरी तरह से दूर हो गई। उस समय मालविका किसी भी तरीके से अपने करियर को सफल बनाना चाहती थी। मालविका ने सुसाइड करने से 19 दिन पहले अपने बाल कटवाए थे, पूरी तरह से बाल्ड हो गई थी। मालविका पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन के शिकार थी। उसके फ्लैट से दवाइयां और दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन भी मिले हैं। मालविका दास का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हुआ था और परिवार उसे पहले ही छोड़कर जा चुका था। इस वजह से उसका जो डिप्रेशन था वो और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। दोस्त कोई इंडस्ट्री में बना नहीं और करियर भी सफल नहीं हो पाया।
हालांकि मालविका के मौत से 3 महीने पहले परिवार वापस मालविका के पास आ गया था, लेकिन परिवार ने शर्त रखी कि अगर वो इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से छोड़कर उनके साथ असम जाकर कोई दूसरी नौकरी करेगी, कोई दूसरा काम करेगी, तो परिवार उसे वापस अपना लेगा। लेकिन मालविका कंफ्यूजन में थी। अडल्ट वेब सीरीज में उसने अपनी जो जगह बनाई थी उसे वो खोना नहीं चाहती थी। उसके पास अभी भी 3-4 सेमी पॉर्न वेब सीरीज थी जिनकी शूटिंग या तो शुरू हो चुकी थी या शुरू होने वाली थी। परिवार इसके कंफ्यूजन को समझ चुका था और इसकी मौत से 2 हफ्ते पहले ही परिवार इसे अकेला छोड़कर वापस असम चला गया था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि ये लड़की अब इस इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ पाएगी। परिवार में इसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। एक तरफ ब्रेकअप का गम, दूसरी तरफ परिवार का छोड़ जाना और ऊपर से फिल्मों में भी करियर नहीं बन पाना। मालविका लगातार डिप्रेशन में डूबती चली गई। अपने अंदर चलने वाले विचारों से जब वो पूरी तरह से थक गई, तब उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। मालविका की डेड बॉडी पुलिस को 6 जून 2024 को मिली, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ी गली हुई हालत में मिली। यानी पुलिस को शक था कि उसे फांसी लगाए हुए 1 हफ्ते से करीब का समय हो चुका है। परिवार से जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो एक एनजीओ ने पुलिस की मदद से मालविका का अंतिम संस्कार किया। हालांकि बाद में परिवार से संपर्क हुआ और परिवार ने भी मालविका की मौत पर कोई शक जाहिर नहीं किया और कहा कि मालविका पिछले काफी समय से डिप्रेशन की शिकार थी। हमने बहुत कोशिश की कि हम उसे वापस घर ला सकें, लेकिन उसने घर आने से साफ मना कर दिया। उसे फिल्मों का भूत सवार था। परिवार ने डिप्रेशन की वजह बताई कि मालविका फिल्मों में अपना करियर न चल पाने की वजह से अपने करियर से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि परिवार उसके फिल्मी करियर को लेकर ही राजी नहीं था और वो परिवार को वादा कर चुकी थी कि वो जल्दी एडल्ट सेमी पॉर्न फिल्मों को छोड़कर नॉर्मल हिंदी फिल्मों में अपना करियर बनाएगी, लेकिन उसे किसी भी फिल्म में काम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन दिन रात बढ़ता गया और उसने ऐसा कदम उठाया। मालविका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी मीडिया में नहीं आ पाई है, लेकिन ये एक सुसाइड का ही मामला है। परिवार ने मालविका के ब्रेकअप होने की खबर को भी कंफर्म किया है। मालविका ने अपनी मौत से 19 दिन पहले अपने काले घने बालों को कटवा दिया था और उसकी वीडियो खुद ही इंस्टाग्राम पर अपलोड की। बैकग्राउंड में राहत फतेह अली खान का एक सैड सॉन्ग प्ले हो रहा था और कैप्शन में लिखा था, रक्षक प्लस प्रेमी प्लस आस्तिक। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी और आए दिन कोई न कोई फोटो या पोस्ट अपलोड करती रहती थी। मालविका ने जहां कई टीवी एक्टर्स के साथ फोटो पोस्ट किए, तो कई बार महेश भट्ट के साथ भी फोटोज पोस्ट किए। मालविका एक मल्टी टैलेंटेड लड़की थी जो न सिर्फ पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थी बल्कि एयर होस्टेस भी बन चुकी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उसके सारे टैलेंट कपड़े उतारने में चले गए और वो खुद डिप्रेशन में चली गई। फाइनली उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मालविका एक अच्छी सिंगर भी थी और उसे गाना गाने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन मालविका एडल्ट फिल्मों में फंसकर रह गई थी और फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी उसके लिए लगभग बंद हो चुके थे, क्योंकि जिस शॉर्टकट से मालविका फिल्मों में सुपरस्टार बनना चाहती थी, उस रास्ते से हर कोई लड़की टॉप पर नहीं पहुंच पाती है और ज्यादातर न्यू कमर लड़कियां सेक्स टॉय बनकर यहीं पर रह जाती हैं या वो आत्महत्या कर लेती हैं। महेश भट्ट ने भी मालविका को फिल्म में लेने की बात कही थी, लेकिन उसे फिल्म में नहीं लिया। ऐसे ही मालविका के कई और भी फिल्मी प्रोजेक्ट हाथ आए, लेकिन शुरू नहीं हो पाए। फिल्म इंडस्ट्री का एक काला सच ये भी है कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर एक्टर, चाहे वो सफल हो या फ्लॉप हो, उसका फिल्म इंडस्ट्री में कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। यही हालत मालविका की भी थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो डिप्रेशन में गिरी तो गिरती चली गई। उसे संभालने वाला उसके साथ न कोई परिवार था न ही दोस्त। परिवार ने भी उसकी हालत को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, जिसकी वजह से मालविका अब इस दुनिया से जा चुकी है। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ पर जगह बनानी है, तो प्लान बी भी तैयार रखें। और इंसान किसी भी फील्ड में जाए, उसे प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए। एक ही प्रोफेशन में इतने अंदर तक ना घुस जाएं कि वापस बाहर आना आपके लिए संभव ना हो। कोई इंसान अगर किसी फील्ड में 5 साल 10 साल स्ट्रगल करता है और फिर भी सफल नहीं हो पाता है, तो उसे ऐसे समय में अपने प्रोफेशन को स्विच करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मालविका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही और फिल्म इंडस्ट्री में आकर सफलता की चाह ने उसे एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में धकेल दिया और फिर कभी भी बाहर नहीं निकल सकी, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन बढ़ता गया और अंत में उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आप लोगों की कोई डिप्रेशन से जुड़ी कहानी हो या किस्सा हो, जरूरी नहीं कि आपका ही हो, आपके आसपास का भी हो, तो कमेंट में जरूर शेयर करें। ओम शांति।